अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नम्स 2022 के रोल नंबर स्लिप्स अपलोड हो चुके हैं। मैं आपको सारा उसमें प्रोसीजर बताऊंगा कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि चले जाना है, ओपन करना है सिंपल नम्स, लिखना है नम्स वेबसाइट को, ठीक है। नम्स आप लिखेंगे और ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, इसको सिंपल आपने ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे इसमें देखेंगे टॉप पे आपको एक नोटिफिकेशन शो कर रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड नम्स एंट्री टेस्ट 2022 एडमिट कार्ड। सो वी हैव टू क्लिक हियर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा। अब डिटेल आपने क्या पुट करनी है, देखिए अब सबसे पहले ना आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। तो ज़रा सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है कैंडिडेट डिपॉजिट आईडी, और दूसरा है CNIC, तीसरा है NICOP, और चौथा है पासपोर्ट फॉर ओवरसीज़। देखें अगर आपका पासपोर्ट है पासपोर्ट पुट करें, आपका ओवरसीज स्टूडेंट है आपका NICOP है वो पुट करें, ठीक है। अगर आपने वे फॉर्म दिया था तो आप ये CNIC वाला ऑप्शन पुट करेंगे। लेकिन एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, देखें यहाँ पे इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है, ये क्या मेंशन किया हुआ है कि कुछ बच्चों का ना जो फी चलान था वो प्रॉपरली अपलोड नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है वो उनका एडमिट कार्ड मसला कर रहा है। तो उन्होंने कैसे करना है, उन्होंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कैंडिडेट डिपॉजिट आईडी। अच्छा, अब ये जो आपका चलान है, चलान के ऊपर ना आपका डिपॉजिट आईडी लिखा हुआ है, और फिर नीचे जो है ये सेंसिटिव वर्ड जो लिखे हुए हैं ये वाले वर्ड, ये अपने यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। अब क्योंकि मेरा जो है वो अब देखें आपने पहले इन तीनों ऑप्शंस में सर्च करना है आपका। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप CNIC वाले में सर्च करें, बाहर से हैं तो NICOP या पासवर्ड वाला सर्च करें। उनमें आ रहा है तो ठीक है, अगर वो शो कर रहा है कि देर इज़ नो फॉर्म और देर इज़ नो एडमिट कार्ड, तो आपने फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि फिर आपका जो चलान है वो सही से एडमिट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चले मेरा क्योंकि आया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने CNIC लिखा, अब मैं यहाँ से पहले अपना CNIC फिल करूँगा और नीचे केस सेंसिटिव लेटर लिखूँगा। मैं पहले आपको लेटर लिख के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो लेटर लिखे हुए दैट इज़ NEVY, ठीक है, ये आपने देखना है, छोटे बड़े ये सारा देखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना वो लिखता हूँ, ज़रा मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फिल कर दिया है। अब मैंने क्योंकि थोड़ा सा नीचे कर लिया है, वो CNIC नंबर नहीं शो कर सकते, ठीक है। तो चलें मैं इसको ज़रा भी करता हूँ एडमिट। सो ये आप देख सकते हैं मेरा जो चलान है वो मेरा जो रोल नंबर स्लिप है वो यहाँ पे बन के आ चुका है। यहाँ पे मुझे टेस्ट सेंटर शो कर रहा है, और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह, रिपोर्टिंग टाइमिंग, डेट वगैरह सब शो कर रहा है, ऊपर रोल नंबर भी शो कर रहा है, बट वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, कुछ चीज़ें प्राइवेट ही रहें, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ऊपर यहाँ पे ना इसके प्रिंट बटन आ रहा है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, वहाँ पे आप इसको PDF की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद PDF जो है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं ज़रा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेट मी ओपन दैट। चले यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास नम्स एडमिट कार्ड, अब मैं इसको जाके कहीं से भी दुकान से प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका था इसको डाउनलोड करने का, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।